केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। तालाब में ईवीएम फेंके देसी बम, हुई तोड़फोड़। बंगाल में अंतिम चरण के मतदान के दौरान ये क्या हो रहा है? प्रदेश कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरिफ अफताब को पत्र लिखकर उनसे विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे कथित अनियमितताओं एवं गड़बड़ियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। खबर कोलकाता की है। लोकसभा चुनाव के सातवें एवं अंतिम चरण में शनिवार को पश्चिम बंगाल में 9 संसदीय क्षेत्रों में मतदान के दौरान छिटपुट हिंसक घटनाएँ हुई। जादवपुर एवं डायमंड हार्बर निर्वाचन क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस, इंडियन सेकुलर फ्रंट एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। वैसे निर्वाचन आयोग ने दावा किया है कि अब तक मतदान शांतिपूर्ण रहा है तथा इसे 11 बजे तक ईवीएम के काम नहीं करने एवं एजेंट को मतदेय स्थल पर जाने से रोकने जैसे 1450 शिकायतें मिली है। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार को पश्चिम बंगाल की 9 लोकसभा सीट पर पूर्वाह्न 11 बजे तक 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं में से करीब 28% ने वोट डाला है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में तृणमूल कांग्रेस, ISF और भारत भाजपा के समर्थकों के बीच झड़पें हुई है। मतदान केंद्र में चुनाव एजेंट को जाने से रोकने पर एक दूसरे से भिड़ गए। जादवपुर संसदीय क्षेत्र के भांगर में तृणमूल और ISF के समर्थकों के बीच टकराव हो गया। आरोप है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर देसी बम फेंके। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर दिया है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया एवं कई देशी बम बरामद किए। जयनगर संसदीय क्षेत्र के कुलटूली में नाराज मतदाताओं ने ईवीएम एवं वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन को जलाशय में फेंक दिया। उन्होंने चुनावी धांधली होने की धारणा के कारण यह कदम उठाया। पश्चिम बंगाल के निर्वाचन कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट लिखा। आज सुबह 6:40 पर 19 जयनगर संसदीय क्षेत्र के 129 कुलटूल विधानसभा क्षेत्र में बेरीमा माधव एसपी स्कूल के समीप सेक्टर ऑफिस में रिजर्व ईवीएम एवं कागजात स्थानीय भीड़ ने लूट लिए तथा एक CU, एक BU, एक VVPAT मशीन एक तालाब में फेंक दी है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।